जनपद संभल के चंदोसी में रामबाग रोड स्थित बिहारी लाल प्राकृतिक आरोग्य सदन में शहर के प्रतिष्ठित व्यापारियों के बीच उपस्थित भाजपा व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष व व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक अशोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद के साथ साथ विकास के पथ पर भी तेजी से बढ़ने की दिशा में अग्रसर होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी विकास की ओर बढ़ते हुए समाज के सभी वर्गों गांव गरीब किसान दलित पिछड़े सभी देशवासियों की उन्नति की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर उपस्थित व्यापारियों को जनपद एवं प्रदेश कार्यकारिणी के पदभार ग्रहण कराकर जिम्मेदारी सौंपी गई। उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश व व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान प्रदेश अध्यक्ष, मेरे कमर में चोट लगने के कारण 5 दिन पहले मैं यहाँ जो फूल प्रकाश वासने जी व उनके परिवार के द्वारा जो प्राकृतिक आरोग्य सेवा सदन चलाया जा रहा है चिकित्सा हेतु, यहाँ आने का मुझे अवसर मिला, सौभाग्य मिला। यहाँ आकर मैंने देखा कि गंभीर से गंभीर रोगी को भी बहुत ही चिंता करके समर्पण भाव से सेवा करते हुए उसकी चिकित्सा को उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ के डॉक्टर्स हों, स्टाफ हों, और ये हमारे माननीय श्री फूल प्रकाश वासने जी और उनके बेटे सब लोग लगे हुए हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि जब मेरे को पूरी तरीके से टैकल करते हुए आधुनिकतम उपचार के इन्होंने ऐसे वो उपकरण मंगाए हैं जिनके जरिए शरीर में रक्त का संचार होता है, अच्छे ढंग से चल रहा है। तो एक तो मेरा ये कहना था कि ये जो संस्थान है, ये जो चिकित्सा का ये जो केंद्र है, सेवा भाव से जो चल रहा है, ये निरंतर नई प्रगति की ओर बढ़ता रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। अच्छा सर, एक जानकारी दें, व्यापारी को किसी भी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी माना जाता है। मैं उसी पा रहा हूँ, व्यापारी वित्त व्यवस्था, वितरण व्यवस्था, परोपकार व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, इन सबकी रीढ़ है। व्यापारी की प्राथमिकता है सुरक्षा व सम्मान। देश में माहौल बदला है। आज से 7 साल पूर्व जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे, 2013 के अंत में एक हरियाणा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें मैं था, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के नाते था। तो उसमें मोदी जी ने ये कहा था कि ये माना कि अंधेरा घना है पर दिया जला कहाँ मना है। दिया जला उनको प्रधानमंत्री पद के लिए जहाँ से ही दावेदार घोषित किया गया, देश के अंदर बड़ा बदलाव हुआ, भ्रष्टाचार के अकर्मण्यता के युग का अंत हुआ, विश्व में भारत की विश्वसनीयता बढ़ी, विश्व के लोग जो है भारत में आकर जो है उद्योग लगाने के लिए इच्छुक बने, भारत उद्योग का हब बनने की तरफ बढ़ा, भारत एक सुरक्षित भारत, एक भारत हमारा समृद्ध भारत, स्वाभिमानी भारत, सशक्त भारत और विश्व में सर्वोपरि भारत की ओर ये बनने की ओर बढ़ने लगा। हमने कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए वैक्सीन सारी दुनिया को उपलब्ध कराई, सारी